After the arrest in the Odisha cheat fund scam, while the BJP has alleged that the state government failed to act, the BJD claims that here is a larger political conspiracy in the entire story. AT group ke jo CMD the Pradeep Sethi, unhone हिंजली का 2009 में हिंजली के चुनाव का दायित्व लिया जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। अब मुख्यमंत्री के पास में बार बार पत्रकारों ने भी अखबार वालों ने भी विभिन्न तरीकों से लोगों ने पहुंचाया कि वास्तव में किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, बीजू जनता दल के विधायक सांसद मंत्री वगैरह जुड़े हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उसमें कोई भी भूमिका नहीं ले रहे। अभी सिर्फ एक काम क्या कर रहे हैं, जिसका नाम आ रहा है उसको निकाल रहे हैं और ये बात का एक झूठे तरीके से प्रचार करने का एक प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार ऐसा कर रही है। वास्तव में ये तो सारा करा धरा इसका है। ये बात भी प्रमाणित हो गया कि वास्तव में क्राइम ब्रांच इन लोगों तक आज तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, क्राइम ब्रांच ने क्यों इन लोगों को पहले गिरफ्तार नहीं किया। ये सारे एलिगेशन तब भी मौजूद थे। इससे साफ होता है कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, तदंत व्यवस्था है, सारी की सारी उन लुटेरों से मिली हुई है। इट्स पार्ट ऑफ ए बिगर कंस्पिरेसी टू डिफेम द बीजेडी सरकार इन ओडिशा बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव डिपोजिट बिफोर द सीबीआई रिगार्डिंग हाउ वी आर ऑल्सो ड्यूप बाय दैट कंपनी देन ऑल्सो द सीबीआई टर्न ब्लाइंड आई टू ऑल आवर प्लीड एंड वेंट ऑन टू अरेस्ट अस। It simply implies that it's a bigger part of a bigger political conspiracy, and also CBI is doing all this thing for the cheap popularity only. ये थी अनन्या द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट।